गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तनूस 541। आज मैं बनाऊंगी फ्रेश होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। क्विक एंड सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे बनाने में और इसका टेस्ट एंड टेक्सचर बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले आइसक्रीम के जैसा ही आएगा, यानी कि बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनेगा। और होममेड आइसक्रीम है तो फ्रेश आइसक्रीम खाने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज। अगर आपके पास फ्रेश वाले स्ट्रॉबेरीज नहीं है, यानी कि अगर आप ऑफ सीजन में बना रहे हो, तो आप इसकी जगह में स्ट्रॉबेरी क्रश का भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। या फिर स्ट्रॉबेरी एसेंस के साथ में आप थोड़ा सा रेड फूड कलर मिलाकर उसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड कर लेंगे, इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो पत्तों को तोड़ लें और इसे डाल दें। आप चाहे तो इसे ब्लेंड नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी स्ट्रॉबेरीज को ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे ब्लेंड कर लूंगी। आप चाहे तो आधे स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड करें और बाकी के आधे के चंक्स बनाकर आइसक्रीम के बैटर में ऊपर से डालें, वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने यहाँ पर इसे ब्लेंड कर लिया है, इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम एक बाउल में 300 ml व्हिपिंग क्रीम लेंगे। क्रीम बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ये व्हिपिंग क्रीम यानी कि डबल क्रीम है। आप चाहे तो इसकी जगह में अमूल का फ्रेश क्रीम या फिर हेवी क्रीम भी ले सकते हैं। क्रीम बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बाउल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और जिस ब्लेड से यानी कि जिस विस्कर से हम इसे बीट करेंगे वो भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो आप बाउल और विस्कर के ब्लेड को फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए, उसके बाद ही यूज करें। तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक विस्कर का ही यूज करने वाली हूँ। एक मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे। एक मिनट के बाद 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी एसेंस भी डाल सकते हैं। वापस से हम इसे तब तक बीट कर लेंगे जब तक कि इसमें से सॉफ्ट पीक्स ना बनने लग जाए। तो क्रीम हमारा गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें सॉफ्ट पीक्स बनने लगे हैं। तो बस इससे ज्यादा हम इसे ब्लेंड नहीं करेंगे, तो इसे हटा लें और एक बार हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा ब्लेंड किया हुआ स्ट्रॉबेरी। आप चाहे तो इसमें से थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जो है यानी कि ब्लेंडेड स्ट्रॉबेरी इसे हटा के रख सकते हैं। आइसक्रीम के ऊपर से डेकोरेट करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास घर पर कंडेंस मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप 2 कप दूध में आधा कप शक्कर मिलाकर उसे तब तक पकाएं जब तक कि 2 कप दूध 1 कप ना बन जाए। जब दूध हमारा 1 कप बन जाए तब इसे आप ठंडा कर ले और उसके बाद यहाँ पर आप इसे ऐड करें। तो इसे डाल देंगे। अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे चीजें आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, पर आइसक्रीम में हमारा प्रॉपर पिंक कलर नहीं आया है। तो पिंक कलर लाने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी फूड कलर। मैं यहाँ पे पिंक फूड कलर का यूज करने वाली हूँ। आप चाहे तो बिल्कुल जरा सा रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, पर रेड कलर की क्वांटिटी आप कम ही रखें। 1 टीस्पून पिंक कलर डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा कलर डालेंगे, बैटर को मिक्स करेंगे और वापस से अगर हमें जरूरत हो तो दोबारा कलर ऐड करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें और यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट पिंक कलर आ चुका है। आइसक्रीम का बैटर बिल्कुल रेडी है फ्रीज करने के लिए। अगर आपका ये बाउल फ्रीजर प्रूफ हो तो आप इस बाउल को डायरेक्टली फ्रिज में रख सकते हैं, यानी कि डीप फ्रिज में रखकर आप इसे 6 से 7 घंटे के लिए आइसक्रीम को जमाने के लिए छोड़ सकते हैं। पर बाउल को रखने के पहले आप इस तरीके के रैपिंग फिल्म से पूरे बाउल को अच्छी तरीके से कवर कर ले, इसे बिल्कुल एयर टाइट बना ले, उसके बाद ही आप इसे डीप फ्रिज में रखें। तो बाउल को फ्रिज के अंदर रखने से पहले आप रैपिंग फिल्म जरूर लगाएं, इससे आइसक्रीम के अंदर या ऊपर आइस के क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। मेरा ये बाउल फ्रीजर प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं रखने वाली हूँ फ्रिज के अंदर। बैटर को हम इस तरीके के एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। ये इस तरीके का कंटेनर नॉर्मली हम सभी के घर में अवेलेबल होता ही है, इसमें भी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जमता है। तो बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे और बैटर को डालने के बाद इसके ऊपर हम बटर पेपर लगाएंगे। अगर बटर पेपर आपके पास ना हो तो आप सिल्वर फॉइल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बटर पेपर लिया है जो नॉर्मली हम बेकिंग वगैरह में यूज करते हैं। इससे आइस के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आइसक्रीम के ऊपर नहीं जमेंगे। नॉर्मली आपने कभी अगर आइसक्रीम घर पर जमाया होगा तो आपने ये देखा होगा कि बर्फ के छोटे छोटे से जो क्रिस्टल्स है वो आइसक्रीम के ऊपर जमते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता।
तो बटर पेपर का काम यही है कि ये आइस केक जो क्रिस्टल्स है वो आइसक्रीम के अंदर या ऊपर जमने नहीं देता। तो बटर पेपर बिल्कुल लगाए, इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले आइसक्रीम के जैसा ही आएगा, यानी कि बिल्कुल क्रीमी क्रीमी बनेगा। तो अब हम इसके लिड को प्रॉपरली लगा देंगे और इसे 6 से 7 घंटे के लिए हम डिफ्रिज में छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं ताकि आइसक्रीम हमारा बिल्कुल अच्छे से जम जाए। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम हमारा बहुत ही अच्छे से जम चुका है, तो चलिए इसे खोलते हैं। और ये देखिए, आपको आइस के क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे, अगर हम बटर पेपर नहीं लगाते तो ये सारा क्रिस्टल आइसक्रीम के ऊपर जमता। तो बटर पेपर को हटा देंगे और हमारा आइसक्रीम देखिए, इसके बबल्स देख के आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो लेट्स स्कूप आउट। पहले हम स्कूप को थोड़ा सा गर्म पानी में डुबो लेंगे, उसके बाद हम आइसक्रीम को निकालेंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम बहुत ही इजीली निकल जाता है। अगर आपके पास ये आइसक्रीम स्कूप ना हो तो आप सिंपल चम्मच से भी इसे निकाल सकते हैं। घर का बना हुआ आइसक्रीम है, कैसे भी सर्व करें, खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए, हमारे आइसक्रीम का टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज्यादा क्रीमी, सॉफ्ट एंड बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम बना है। जैसे कि मार्केट में मिलता है, सेम वैसा ही आइसक्रीम बना है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया और देना चाहूंगी। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो जो भी मैंने इसमें डाला है, इसे मिक्सी की जार में डाले, 5 से 7 मिनट के लिए मिक्सी को चला ले, आइसक्रीम को 1 घंटे के लिए फ्रीज करे, वापस से बैटर को निकाले, वापस से इसे 3-4 मिनट के लिए बीट करें और इसे जमा ले, सेम इसी तरीके का आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइसक्रीम को हम इस तरीके से स्ट्रॉबेरी से गार्निश करेंगे, वेफर स्टिक्स लगाएंगे, थोड़े से केक स्प्रिंकल्स डालेंगे। ये सारा डेकोरेशन का आइटम जो है आपको किसी भी बेकरी शॉप या ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने केक स्प्रिंकल्स डाले हैं थोड़े से, और हमारा टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम रेडी है। तो इस तरीके से आप होममेड फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को जरूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और फोटो खींचने के चक्कर में मेरा आइसक्रीम मेल्ट होने लगा है, तो चलिए अब इसे खाते हैं। और अगर आपको भी खाने का मन कर रहा हो तो रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए याद से बेल आइकन को जरूर ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।